हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम रोज भगवद गीता के एक दो श्लोकों के ऊपर चर्चा करते हैं, और कल जो है हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 8 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे, और आज जो है हम 9 नंबर और 10 नंबर श्लोक भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 9 नंबर और 10 नंबर श्लोक, ये दोनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में, जैसे कि हम पहले डिस्कस किए थे, इसमें 5 सेक्शन हैं। तो पहला जो सेक्शन है 1 नंबर श्लोक से 10 नंबर श्लोक तक, वो है अर्जुनाज इनडिसीजन एंड एक्सेप्टिंग लॉर्ड कृष्णा एज इज गुरु। अर्थात युद्ध करने के लिए अर्जुन क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं युद्ध करना सही है कि गलत है, और अर्जुन कैसे भगवान कृष्ण को अपने गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये 1 से 10 तक इसमें वर्णन है। तो कल हम दूसरे अध्याय का 8 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे, आज 9 नंबर और 10 नंबर श्लोक चर्चा करेंगे। तो 9 नंबर श्लोक में संजय उवाच एवं उक्त्वा हृषिकेशम गुड़ाकेशन गुड़ाकेश परंतपः न यच्छ इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभू वाह। तो इसका अनुवाद इस प्रकार है कि संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और फिर वो चुप हो गए। तो इस प्रकार अर्जुन ये सब कहने के बाद जो है क्या करते हैं, बोले कि गोविंद मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, इतना कह के वो चुप हो गए। और इसमें हम देखते हैं कि ये जो श्लोक है, इस श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन को परंतप कहा गया है। परंतप का मतलब क्या है? शत्रुओं को दमन करने वाला। बल्कि जो है अर्जुन इज कॉल्ड परंतप बिकॉज ऑल्दो ही वॉज ओवरवेल्म्ड विथ फॉल्स ग्रीफ ड्यू टू फैमिली अफेक्शन बिकॉज ही सरेंडर टू कृष्णा द सुप्रीम गुरु ही वुड सून बी एनलाइटेंड एंड श्योरली फाइट। हालांकि उनको मोह आया है, अर्जुन को मोह आया है, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के शरणागति हुए हैं, तो अभी जो है वो मोह से दूर हो जाएंगे और बिल्कुल उनको वो ज्ञान मिलेगा युद्ध करने के लिए। तो इसलिए परंतप, परंतप मतलब जो शत्रु को जो है मारने वाला, शत्रुओं को दमन करने वाला। और फिर यहाँ पे कहा गया है कि कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, एवं उक्त्वा ऋषिकेश, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम। तो ऋषिकेश कहा गया है, ऋषिकेश का मतलब है कि कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, अर्थात जो इंद्रियों को नियमित करने वाला, कंट्रोल करने वाला या संयम करने वाला। अभी अर्जुन जो है, कृष्ण क्या करेंगे कि अर्जुन के जो है इंटेलिजेंस को माना डेवलप करेंगे, ताकि अर्जुन क्या करे, युद्ध करे। और इसी कारण फिर इसमें भी जो है गोविंद न योत्स इति गोविंदम, तो गोविंद का नाम भी उच्चारण हुआ है, मतलब कृष्ण का नाम ऋषिकेश भी यहाँ पे उच्चारण हुआ है और गोविंद भी कहा गया है। गोविंद का मतलब क्या है? जो सब जानता है, सब कुछ जानने वाला, वो गोविंद है। तो क्योंकि भगवान अब क्या करेंगे अर्जुन को, वो जानते हैं कि भगवान जो है अर्जुन को क्या करेंगे, वो कन्विंस करेंगे ताकि वो अपना क्षत्रिय धर्म को ग्रहण करके युद्ध करे। तो इसी कारण मतलब यहाँ पे भगवान जी का 2 नाम दिया गया है, ऋषिकेश और क्या है, गोविंद। और हम देखते हैं इसमें
कि अर्जुन का जो योग्यता क्या है जो आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए, अभी भगवान जो भी कहेंगे आध्यात्मिक ज्ञान है उसको ग्रहण करने के लिए अर्जुन का योग्यता क्या है, क्या क्या योग्यता है? समा एंड दमा, समा दमा अर्थात उनका जो है अपने मन और इंद्रियों के ऊपर पूरा संयम था। उपरति इंडिफरेंस टू एंजॉयमेंट, मतलब वो सोच रहे हैं कि मतलब उन वो भोग में या दुख में वो क्या संभाव रह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अगर जीत भी जाऊं फिर भी जो है कोई फायदा होगा नहीं, है कि नहीं। और तीसरा है तितिक्षा, तितिक्षा मतलब क्या है? सहनशील, मतलब ये जो जो संसार के जो द्वंद है, सुख दुख, है कि नहीं, ये जो द्वंद है संसार में दो प्रकार के हमेशा आपके पास रहेगा, है ना, एक जो है लोअर एंड एक हायर, मतलब दो एक्सट्रीम रहेंगे, तो ये इसको द्वंद कहते हैं। तो ये द्वंद में अर्जुन जो क्या थे, वो सहनशील थे, मतलब संभाव थे, सुख में और दुख में वो संभाव थे। और चौथा रीजन था कि श्रद्धा, तो उन्होंने भगवान जी से मांगे हैं कि आप मुझे उपदेश दीजिए, आप मुझे मैंने जैसे बताया था दूसरे नंबर का 7 नंबर श्लोक में कह रहे हैं, यश्रेय निश्चितम ब्रूहितन में, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है आप मुझे बोलिए। इसका मतलब क्या है, उनको भगवान कृष्ण की जो उपदेश उसके ऊपर उनकी श्रद्धा थी। तो ये 4 कारण है जिसके कारण अर्जुन वॉज फिट, वो योग्य थे आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए। तो अब हम जाएंगे 10 नंबर श्लोक में, तम उवाच हृषिकेश प्रहसन इवा भारत सैन्योरुभर मध्ये विषिदंतम इदम वचः। हे भरतवंशी अर्थात संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो भगवान थोड़ा सा हंसे, तो भगवान क्यों हंसे? भगवान इसलिए हंसे कि क्योंकि अब उनके मित्र जो है उनके शिष्य बनने के लिए तैयार हुए हैं, मतलब उनके मित्र अब उनको गुरु रूप में ग्रहण करने के लिए जो है ना तैयार हुए हैं, तो इसलिए वो हंसे। फिर भी उन्होंने अपने जो हंसी को जो है उन्होंने कंट्रोल किए, सप्रेस किए, और फिर उन्होंने गुरु रूप में जो, क्योंकि अगर उनको गुरु रूप में ग्रहण किया गया है तो गुरु का रोल निभाने के लिए वो फिर गंभीर हो जाते हैं, और गंभीर होके फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे वो जैसे एक गुरु शिष्य को डांटते हैं तो इसी प्रकार वो डांटने लगेंगे। तो देखा जाए जो पहले जो ऋषिकेश वो अर्जुन के बातों से या अर्जुन के प्रेम से वो कंट्रोल हो गए थे, तभी तो वो सारथी बन गए, पार्थ के सारथी बन गए, है कि नहीं, आउट ऑफ लव, प्रेम से। अब वो क्या करेंगे, अब वो जो है अर्जुन के जो मन है उस मन को वो अब क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे प्रेम से। पहले वो खुद अर्जुन के प्रेम के द्वारा कंट्रोल हुए, अभी क्या करेंगे कि प्रेम से वो अब अर्जुन के मन को कंट्रोल करेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो है ऋषिकेश शब्द का उल्लेख हुआ है। तो श्री प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि मित्र रूप में दोनों के का पद समान था,
मित्र मतलब समान पद, लेकिन एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन रहे हैं। अर्जुन जो है अपने स्वेच्छा से कृष्ण के शिष्य बन रहे हैं। और हालांकि भगवान जो है उनका पद बहुत श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी भगवान जो है अपने भक्तों के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। ये भगवान की महानता है। तो फिर जो है श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे भगवद गीता का जो संवाद हुआ था अर्जुन और कृष्ण के बीच में, तो 64 करोड़ योद्धाओं के बीच में हुआ था, कहीं पे एक बंद कमरे में नहीं हुआ था, या कहीं पे एक सेमिनार हॉल या ऑडिटोरियम में नहीं हुआ था, जहाँ पे 64 करोड़ से ज़्यादा योद्धाएँ थे उस जगह में अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद हुआ था। तो इससे ये पुष्टि होता है कि ये जो भगवद गीता कोई एक व्यक्ति या एक समाज या कोई एक जाति के लिए नहीं है, बल्कि ये जो है सबों के लिए है। और जब भगवान कृष्ण कह रहे थे तो उस समय शत्रु भी उपस्थित थे और मित्र भी उपस्थित थे। तो इसी प्रकार ये जो भगवद गीता का ज्ञान, ये शत्रु के लिए भी है और मित्र के लिए भी है, दोनों अधिकारी है इसको सुनने के लिए। तो यहाँ जो है पहला सेक्शन हमारा यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, और फिर हम कल से दूसरा सेक्शन में जाएंगे। दूसरा सेक्शन जो है 11 नंबर से 30 नंबर तक है, जिसमें हम ज्ञान या सांख्य के बारे में जो है चर्चा करेंगे, जो कि भगवद गीता से ही चर्चा करेंगे। एनालिसिस ऑफ बॉडी एंड सोल, मैटर एंड स्पिरिट, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो हरे कृष्णा। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी इंस्पायर कर सकते हैं देखने के लिए, ताकि जो भगवद गीता का हम जो सीरीज चला रहे हैं इसको, इससे सभी लोग लाभान्वित हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हरे कृष्णा।